बाल्टीमोर यूएसए में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का मार्च 1977 में उद्घाटन से ही एक समृद्ध इतिहास रहा है। बाल्टीमोर पुल ढहने का कारण डाली नाम का एक मालवाहक जहाज था जिसके इंजन और विद्युत शक्ति का नुकसान हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1:30 बजे से ठीक पहले ब्लैकआउट हो गया था। जहाज पुल के एक खंभे से टकरा गया जिससे भयावह पतन हुआ। जहाज के पायलट द्वारा गति धीमी करने और दूर जाने की कोशिशों के बावजूद बिजली चले जाने के कारण जहाज पुल से टकरा गया। जहाज चैनल के केंद्र से बाहर था और पुल के नीचे से सलामत गुजरने के बजाय एक खंभे से टकरा गया जिसने दुर्घटना हो गई।